नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट यानी कि बात करें शेयर बाजार जिसको कहते हैं, तो शेयर बाजार की बात करें, शेयर बाजार में लोगों को आना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर आज का हमारा ये टॉपिक है। और यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि किन लोगों को मार्केट में डेफिनेटली आना चाहिए और किन लोगों को मार्केट में डेफिनेटली नहीं आना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों, यहां पर फर्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग आते हैं, क्या यहां पर स्टॉक मार्केट में लोगों को आना चाहिए। नंबर वन, क्यों आना चाहिए। नंबर टू, किस लिए यहां पर लोग डरते हैं। और नंबर थ्री, सबसे ज्यादा प्रॉफिट का यहां पर बात कौन सा है। तो सबसे पहले आना किन लोगों को चाहिए। अगर आपकी एज, आप किस एज ग्रुप में है मुझको पता नहीं, आप हो सकता है आप यहाँ पर 25 का आपका एज हो सकता है, आपको 45 हो सकता है, आपका 65 भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपका एज, अगर आपका एज 40 के अंदर आता है, मैं बात कर रहा हूँ 40 इयर्स यानी कि 40 वर्ष, अगर आपकी उम्र 40 वर्ष या 40 इयर्स की भीतर आता है तो सर मैं आपको कहना चाहूंगा स्टॉक मार्केट अभी तक आपके लिए अपॉर्चुनिटी का एक जो सोर्स है वो यहां पर बना हुआ है। डेफिनेटली किन लोगों को आना चाहिए, जिन्होंने अभी अभी अगर आप बात करें साल डेढ़ साल दो साल के अंदर अंदर उनको जॉब मिली है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते नहीं है, उनको कहना चाहूंगा नो अबाउट इन्वेस्टमेंट के हर रेगुलर वीडियोस को देखिए, यहां पर मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी करता हूं। तो सर जिन्होंने अभी अपना करियर शुरू किया है किसी भी फील्ड में हो सकता है, उनको मैं कहना चाहूंगा स्टॉक मार्केट में आपका वेलकम है, आप स्टॉक मार्केट में आइए, यहां पर भरपूर अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिलती है सर, भरपूर अपॉर्चुनिटी जहां पर आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपका छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा रूप ले सकता है। देखिए दोस्तों यहां पर बात करें, दो तीन सेशन में आपने देखा सेंसेक्स कहां से कहां पहुंच गया, बजट से पहले मार्केट गिर रहा था, बजट आया मार्केट ऊपर ही चला गया। तो सर उसी प्रकार की बात करें सन 1992 का, यहां पर जो वेब सीरीज आया था स्कैम 1992, जिन्होंने देखा था तब सर सेंसेक्स 4-2000 के आसपास हुआ करता था सर, 1000-2000 के आसपास हुआ करता था, डेफिनेटली मुझको नंबर यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो उस जमाने से देखे तो सर 28-30 सालों के अंदर अंदर सेंसेक्स 50,000 पार कर गया, 50,000। इस आंकड़े को हल्के में मत लीजिए साहब, ये आंकड़ा आपको दिखा रहा है 50,000, लेकिन इसके पीछे अगर आप देखे एक बहुत ही धमाकेदार सीएजीआर कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न जिसको कहते हैं सर, वो यहां पर आपको दिखेगा। तो मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा अगर आपकी एज कम है, 25 से लेकर 30 के बीच में है, तो डेफिनेटली आइए, 40 तक के लोगों को मैं कहना चाहूंगा स्टॉक मार्केट को ट्राई कीजिए, डरने वाली बात नहीं है, यहां पर कोई राक्षस या भूत नहीं बैठा है कि आपका पैसा आते आते खत्म कर देगा सर, यहां पर वो लोग आपको डराएंगे जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, वही आपको डराएंगे। कोई स्टॉक मार्केट का ऐसा बंदा जिसको स्टॉक मार्केट का एस भी मालूम है वो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में डराएगा नहीं, वो आपको ये कह सकता है कि भाई संभाल संभाल के पैर रखना, यहां पर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तुमने कोई गलती की पैसा बर्बाद हो सकता है, ये आपको बोल सकता है, लेकिन ये आपको ये नहीं बोलेगा कि तेरे को आने की जरूरत नहीं है। तो सर यहां पर उन लोगों को आना चाहिए। स्टॉक मार्केट का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है सर, देखिए अभी की बात करें इंडिया की, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो तकलीफ की बात है वो है सर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमारे पास कोई टूल यहां पर अवेलेबल नहीं है सिवाय इक्विटी के। गोल्ड की बात करें सर, गोल्ड सोना, सोना क्या है सर, सोना देखिए सर, आप लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, उसी प्रकार सोना जो की है सर वो आपका वेल्थ इंश्योरेंस है। वेल्थ इंश्योरेंस समझते हैं आप, वेल्थ इंश्योरेंस, जब सारे एसेट क्लास मंदी में चले जाएंगे तब सोना जो की है वो चमकता हुआ दिखेगा, तो ये वेल्थ इंश्योरेंस है। तो सोना अगर आप इसको अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के तौर से लेते हैं तो ये थोड़ा सा गलत हो सकता है साहब, बाकी आपका नजरिया आपकी तरह यहां पर आप चूज कीजिए, डिसाइड कीजिए। बाकी सर स्टॉक मार्केट या जैसे कि मैं बात कर रहा था इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अब इंडिया के अंदर ऐसा कोई टूल अवेलेबल ही नहीं है जो कि इन्फ्लेशन को बुरी तरह से बीट कर पाए। पीपीएफ की बात करें 7% का इंटरेस्ट आसपास, सुकन्या समृद्धि आपने यहां पर आपके दिमाग में ऑप्शन आ रहा होगा कि भाई ये तो देता है, लेकिन सर उसके लिए आपको एक गर्ल चाइल्ड चाहिए, यानी कि आपको एक आपके पास आप किसी लड़की के पिता होना यहां पर आपको चाहिए, उसकी एज ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उससे सबसे ज्यादा
कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उसकी भी लिमिट वगैरह है सर, तो वो ऑप्शन तो खत्म हो जा रहा है आम पीपल के लिए, वो नहीं है। वहां पर 8% के आसपास यहाँ पर ब्याज अभी मिल रहा है। बाकी बात करें किसी भी किसान विकास पत्र में यहाँ पर रखने जाएंगे 6.85 के आसपास मिलता है। एनएससी की बात करें, एनएससी यानी कि नेशनल जो कि है सर, नाम यहाँ पर पूरी तरह से मुझको याद नहीं आ रहा आपके बोलते बोलते, मतलब मैं भूल गया, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सर माफ कीजिएगा, नाम यहाँ पर याद नहीं आ रहा था। तो सर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में रखने जाएंगे 6.80 के आसपास यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ROI रिटर्न ऑन इंटरेस्ट अगर आप बात करें तो सर यहाँ पर रखने जाएंगे। बैंक में FD करवाने जाएंगे, कौन सा बैंक भाई आपको यहाँ पर 8% का ब्याज देगा 10 साल के लिए FD करने जाएंगे, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, वो ऑप्शन भी आपके लिए खत्म हो जा रहा है। आप रियल एस्टेट में रखने जाएंगे, 500 भी आपके पास पैसा है कहां पर लगाएंगे, कौन सा जमीन का टुकड़ा आपको 500 में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो सर यहां पर आपको अंत में आना कहा है इक्विटी का ऑप्शन कहा है सर, डायरेक्ट इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट, और अगर आप बात करें भाया इक्विटी यानी कि सर म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो सर ये दो ऑप्शन आपके लिए खुल जाता है। लोग आपको डराएंगे कि भाई यहां पर मत आओ, पैसा सुरक्षित रखो, चांस जी पाओगे, लेकिन सर मैं आपको कहना चाहूंगा पैसा अगर आप वही एसेट क्लासेस में रखेंगे तो मानकर चलिए यकीन माने एक टाइम के बाद आपका वो जो पैसा है उस पैसे से आप अपनी जिंदगी शांति से नहीं बिता पाएंगे। तो सर इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो भी डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट की तरफ आपको रुख करना ही होगा। और किन लोगों को नहीं आना चाहिए, ये भी मुद्दे की बात है साहब, किन लोगों को नहीं आना चाहिए, जो लोग अपनी जिंदगी में कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते। देखिए सर वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो लोग जिंदगी में कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि सर ये काउंटर रिस्की काउंटर है। यहां पर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई यहाँ पर बच्चा है जो यहाँ पर MBA वगैरह के लिए यहाँ पर आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको, और आप उसी के साथ साथ आप फाइनेंशियली भी अपने आप को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं कि जब मेरा बच्चा MBA करने जाएगा एडमिशन फीस वगैरह जो कंप्लीट उसका जो एडुकेशन का खर्चा है वो मैं यहाँ पर दे दूंगा, उसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड से मैं पैसा रखा है। लेकिन सर आपको बताना भी चाहूंगा, कोई आपको ऐसा करके नहीं बताएगा, हो सकता है जब आप अपना जो पैसा है वो रिडीम करने जाए यानी कि निकालने जाए तब हो सकता है उस पैसे की वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है एज ए पार्ट ऑफ टाइम अगर आप बात करें तो, सर ये भी हो सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा जिंदगी का जो फिक्स्ड गोल है चाइल्ड एडुकेशन, इमरजेंसी पर्पसेस, ये वो सारा कुछ जो मतलब जिनको आपको जिन गोल्स के ऊपर आपको कोई रिस्क रखना ही नहीं है उसके लिए आप डी कीजिए। आप चाहे तो जो आदर्श एसेट क्लासेस है वहां पर पैसा रखिए जहां पर रिस्क नहीं है, कम है, नहीं है कहीं पर भी नहीं है सर, रिस्क हर जगह पर है, माइनरली थोड़ा सा ही आपको रिस्क तो नजर आएगा। अगर सर देखिए FD में पैसा रखने जाएंगे 5 लाख तक का आपका पैसा सेफ है। आप चाहे तो LIC की पॉलिसी ले सकते हैं, वो भी एक आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं, लेकिन सर ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते, ये आपको दिमाग को समझा देना है, बीट नहीं कर पाते हैं। तो सर ये ऑप्शन उन लोगों के लिए नहीं है जो जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, और जो जिनकी एज अगर आप बात करें, जिनको आप अगर आप देखिए आमतौर पे जिनको हम लोग कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, उनको मैं कहना चाहूंगा सर आप लोगों को स्टॉक मार्केट की अगर आप ज्यादा नॉलेज नहीं है, बिगिनर्स है, अगर आपने लंबे अवधि से अगर आपने निवेश किया था, आप निवेश कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन नए तौर पे न्यूली अगर आप कह लीजिए तो कोई फ्रेश खरीदारी करना चाहता है और वो सीनियर सिटीजन है, तो सर उनको मैं कहना चाहूंगा सर आप कृपया इस काउंटर से दूर ही रहिए, हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो सर यही कुछ था डिस्क्लेमर, और आपको बताना चाहूंगा सर स्टॉक मार्केट में कैसे सफल निवेशक बने इसके ऊपर मैंने पूरी तरह से एक सीरीज भी बनाकर आपके लिए बताया था, तो सीरीज को देखिए समझिए और मार्केट से प्यार करना सीखिए। सर स्टॉक मार्केट आपको आने वाले 10 साल में इतना पैसा कमा कर देगा कि आप अभी इस डेट में ये 2021 का फरवरी का महीना चल रहा है सोच भी नहीं पाएंगे। यकीन मानिए वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। बजट कैसा रहा उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, और कोई टॉपिक है सवाल है जो भी आप पूछ लीजिए आपका भाई आपके लिए हाजिर है। बाकी सर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इक्विटी से प्यार कीजिए, स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, यही कहना चाहूंगा। जय हिंद।